नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज जो कुछ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कुछ भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्यों दुनिया भर में इंडिया और इंडियंस को बड़ा पसंद किया जाता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। एग्जाम्पल क्या, मैं इसका बहुत बड़ा सबूत देने वाला हूँ, और ये सबूत जो है वो टर्की की एम्बेसी से आया है। मैं सबसे पहले बिना कुछ कहे आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ, जिसको देखने के बाद आपको फील होगा कि क्यों हमें इंडियंस होने पर गर्व है, क्यों हमें इंडियंस होने पर प्राउड फील करना है। क्योंकि हमने दिखाया है कि चाहे दुश्मनी क्यों ना हो, हम अपने काम की बदौलत, हम अपने व्यवहार की बदौलत ऐसा काम कर जाएंगे, ऐसी दरियादिली दिखा जाएंगे कि दुश्मन भी आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएगा। इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने टर्की के लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया है कि आने वाली सदियां भी इस मदद को, इस व्यवहार को, इस बिहेवियर को, उनके प्रति जो इंडिया और इंडियंस ने दिखाया वो भूल नहीं पाएंगे। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये जो सफेद बोरे रखे हुए आपको नजर आ रहे हैं, जो टेप से चिपकाए गए हैं, आप इनकी संख्या देखिए, आप देखते चलिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है। इनमें इतना सारा सामान भरा है जो टर्की पहुंचाया जाना है, और ये लाइन बहुत लंबी है, सामान बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताऊं, ये तस्वीरें हैं दिल्ली में मौजूद टर्की की एम्बेसी की, और ये जो कुछ भी आपको सामान दिख रहा है, आप देख रहे हैं ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ थिंग्स, ये सारा सामान देखिए, ये आपको कंबल दिख रहे होंगे, शायद ये कंबल ही है, कुछ जूते हैं, ये सारा सामान इंडिया के लोगों ने टर्की की एम्बेसी में पहुंचाया है। ये सरकार ने नहीं पहुंचाया है, ये इंडिया के लोगों ने दिया है, ये इंडिया के लोगों ने टर्की को भेजा है। ये सारा सामान यहाँ से जा रहा है टर्की, जो टर्की में भूकंप से पीड़ित लोग हैं, जो बेघर हो गए हैं, जिनको जरूरत है इन चीजों की, वो ये सारी चीजें यूज करेंगे। ये तो हो गई एक तस्वीर, मैं अब आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं है, टर्की की एम्बेसी का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर सामान न इंडियंस ने दिया हो, और मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ दिल्ली और NCR की जनता ने पहुंचाया। हो सकता है बाकी जगहों से भी लोगों ने भेजा हो, मुझे इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामान पहुंचाया गया है, जिस बड़े पैमाने पर इंडियंस ने दरिया दिली दिखाई है, ये जानते हुए भी कि टर्की हमारा साथ नहीं देता, टर्की हमारा कश्मीर के इशू पर पाकिस्तान का, हमारे दुश्मन देश का साथ देता है, उसके बावजूद भी इंडियंस की दरिया दिली देखने लायक है। अब एक दूसरा वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये वीडियो देखिए और उसमें सामान को देखिए, और तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आज टर्की के लोग इंडियंस को थैंक यू बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं गॉड ब्लेस यू इंडिया। देखिए ये तस्वीर, ये देखिए, ये कार्टन सैकड़ों हजारों की तादाद में कार्टन्स भरे पड़े हैं, आप देख रहे हैं, ये सामान देखिए आप दोनों तरफ, ये टर्की की एम्बेसी के भीतर की तस्वीरें हैं, और ये देखिए आप सामान, कंबल नजर आ रहे हैं, इनमें और भी सामान भरे पड़े हैं, टेंट्स इसमें भरे पड़े हैं, इसमें खाने का सामान है, इसमें जूते हैं, इसमें कपड़े हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो टर्की के एम्बेसडर की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई थी 15, 18, 20 चीजों की, वो उस लिस्ट के मुताबिक लोगों ने जी भर कर दान दिया है, आप देख रहे हैं ये सामान। मैं खासकर पाकिस्तान के लोगों को ये तस्वीरें दिखाने के लिए लेकर आया हूं कि देखिए इंडियंस का दिल कितना बड़ा है।